પછી મેં કઈ કાકું ગવડી દીધું, પછી વણી જગ્યા સેનેટાઈઝર લગાડી દીધું. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल. अभी हो चुकी हूँ मैं रेडी, और जैसे कि कल रात को मैं धो रही थी ब्लैंकेट, तो मैंने अभी सुबह ही उसको ड्राई करके सुखाई है, और यहाँ ऊपर ही सुखाई है क्योंकि बाहर कहीं इन केस बारिश आ गई तो मेरी पूरी मेहनत चली जाएगी पानी में. अंदर कुछ बात नहीं, धीरे धीरे सूखेगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर धीरे धीरे सूख के भी सूख जाए कम्प्लीटली, नहीं तो बारिश का पानी लग गया तो बदबू मारेगी और ये हमको रेगुलर ओढ़नी पड़ती है इसलिए. और आज सुबह से हमारे मिट्टू हैं, वो बातें कर रहे हैं. कल जैसे कि जब मैंने व्लॉग में बताया था ना कि मिट्टू बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, तब से कल से कुछ नया सीखे हैं, शायद हमसे बात करने की कोशिश करें, क्या पता. पूरा दिन चें 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 बोल ही रहे, और कुछ अच्छा बोलते, ऐसा भी नहीं अजीब अजीब सी आवाज़ निकाल रहे, पर यानी यूँ लगता है हमारे साथ बोलने की कोशिश कर रहे हैं. तो अभी मैं मंदिर जाकर फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि अभी हम दोनों जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए. अभी मम्मी पापा गए हुए हैं, मम्मी पापा जैसे ही आते हैं वैसे हम जाएंगे. अभी गई थी मैं मंदिर, और मंदिर लेके गई थी गोप्रो, और गोप्रो ऐसा यानी ऐसे लेके गई मैं गोप्रो को कि अंदर है ना मेमोरी कार्ड ही नहीं था, क्योंकि मैंने घर पर स्टार्ट करके देखा ही नहीं था और डायरेक्ट वहाँ जाके शूट करूँगी ऐसा सोचा था. तो अंदर थी नहीं मेमोरी, कुछ भी नहीं, फालतू में ऊँचा करके ले गई थी और कुछ शूट भी नहीं हो पाया. कोई बात नहीं, अभी मैं आ गई घर पे और मुझे फर्स्ट डोज़ लगा है वैक्सीनेशन का 3 महीने पहले, तो अभी मेरा सेकंड डोज़ का टाइम आ गया है, और सेकंड डोज़ मुझे आज लगने वाला था पर किसी कारणवश आज हो गया है वैक्सीनेशन कैंसिल. तो कल लगता है कि नहीं लगता है देखते हैं, और अगर कल लग रहा होगा तो मैं लगवा ही दूँगी, क्योंकि टाइम हो चुका है इसलिए. क्योंकि मैंने उस 15 तारीख को आई थिंक लगाया था, 14-15 को कुछ, जुलाई की, जून या फिर जुलाई की, जून जुलाई अगस्त, जुलाई में लगवाया था मैंने, और अभी मेरा जैसे कि टाइम पीरियड पूरा हो चुका है सेकंड डोज़ का, तो लगवा ही देती हूँ, नहीं तो वैक्सीनेशन का मतलब नहीं है लेट हो जाएगा. तो आज तो मैं खाना वगैरह सब बनाकर जल्द फ्री हो गई हूँ, पर जल्दी फ्री नहीं हुई, आज 3 बज गई. खाना वगैरह सब बनाया था रात के, आलू पराठे का मसाला रह गया था वो मसाला बनाया, और अभी जा रही हूँ शॉप पर. 3:15 हो रही है और अब जाऊँगी, टाइम ही नहीं मिला जल्दी जाने का इसलिए. तो अभी चलेंगे, और आज है कुछ काम, आज करवाना है मुझे मेरा हेयर कट, तो जाके हेयर कट कराती हूँ, और हेयर वॉश भी कराना है, तो ये सारा काम वहाँ जाके करेंगे. आज और भी कुछ पेंडिंग काम है, उनको भी कर देंगे क्लियर. अभी आ गई हूँ मैं सैलून पर, और जैसे कि देख सकते हो मेरी हालत क्या हो गई, पूरी काजल फैल गई है. आज बहुत ज़्यादा काम था घर पे इसीलिए, और मैंने आज कुछ भी घर पे शूट किया ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि क्या रोज़ का रोज़ एक ही एक चीज़ बताऊँ. तो अभी मैं करवा रही हूँ मेरे हेयर वॉश, और फिर करवाऊँगी मेरे बालों की कटिंग, जो कि थोड़े थोड़े मुझे नीचे से कट करवाने हैं, क्योंकि मैं ट्रिमिंग टाइम टू टाइम लेती रहती हूँ, अगर आप मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू देख रहे हो तो. तो अभी करवा देते हैं हेयर वॉश और फिर करेंगे ट्रिमिंग. चलो भाई, अरे टॉवल्स धो दिए हैं सारे, पर लाने बाकी है शॉप पर, कल ही धो दिए थे, सूख भी गए. अरे लगी जोरदार. हेयर कट करना था पर आ गए कस्टमर, तो सब हो गया डिले, और अभी हो रहा है मेरा क्लीनअप, क्योंकि मुझे फेस पर वाइट हेड्स थोड़े थोड़े महसूस हो रहे हैं, तो थोड़ा सा क्लीन करवा देती हूँ. तो अभी क्लेंजिंग होगी, स्क्रबिंग होगी, और होगा मास्क, तो फटाफट से ये करते हैं, आप देखो कैसे हो रहा है. और मैं यूज़ कर रही हूँ मिशेल का ही, क्योंकि वो मेरी स्किन को काफ़ी अच्छे से सूट हो रहा है इसलिए. और इधर अभी थोड़े बहुत पिंपल्स अभी निकल गए थे, तो उसके थोड़े दाग रह गए, पर कोई बात नहीं, चले जाएंगे दाग. तो लगा दिया, फेस पैक जैसे ही सूखता फिर मैं आपसे मिलती हूँ. हेयर कट करना था, क्लीनअप कर दिया, फेस भी क्लीन कर दिया. हेयर कट करना था पर कर ही नहीं पाई, क्योंकि कस्टमर थे और मैं बैक टू बैक बिजी थी. और अभी बज रही हैं 7, और 7 क्या 6:30 ऊपर हो गई है, लगभग 7 बजने में ही हैं. तो काम मेरा जो करना था वो हुआ नहीं, कोई बात नहीं, कल करेंगे. और कल से रहूँगी मैं थोड़ी ज़्यादा बिजी, क्योंकि अभी हैप्पी बिया है नहीं इसीलिए. तो एक बार मैं चिकू को कॉल करके पूछ लेती हूँ कितनी देर में आएंगे, तो उस हिसाब से अपन आगे की बात करते हैं. अभी जा रहे हैं हम घर पर, और जल्दी घर जाते हैं, खाना वगैरह पकाते हैं. चल जा रहा है क्यों? अभी जस्ट चालू हुआ.
कैमरा उठाते हुए हो रहा है। क्या शूट कर रहे? बस यही क्या हो रहा है। कल रात को जो हुआ था वो हो गया। पर कल रात को जो तुमने मसाज करके सही कर दिया था, पर अभी नहीं हो रहा है। अभी मैं मसाज कर रही हूँ क्योंकि कल रात को सिर्फ इतना ही हुआ था, अभी ये यहाँ तक हो गया। मेरे को क्या पता क्यों हो रही है यार, अब ये जॉइंट दुख रहा है बहुत। क्यों? क्या पता बहुत दुख रहा है। आउच, बाल भी चिपकू हो गए। बाल धोए इसके बाद कस्टमर आके बैक टू बैक तो गीले गीले वो अंदर न अंदर थे। देखो सही कैसे हो गए, टच करके देखो ये बंधे हुए हो गए बाल। अब मैं कैसे सोऊंगी इसमें, तुमको ड्राई करके देने पड़ेंगे। अभी आ गई हूँ मैं रूम में और खाना वगैरह सब बन गया है। और खाने में आज बना है स्पेशल, यानी बेसन तो लगभग सबको भाता है, बेसन और साथ में लाई हूँ थोड़ी सी बिकाजी नमकीन और रोटी, क्योंकि मुझे है ना बेसन के साथ थोड़ा सा यूँ क्रंची क्रंची खाकरा वगैरह कुछ भी ऐसा होता तो अच्छा लगता है। इसलिए तो मैं खाना वगैरह फिनिश करती हूँ और फिर मेरे को मेरे हेयर कट करने थे वो मैं कर नहीं पाई, बैक टू बैक कस्टमर थे जैसे कि मैंने बताया। अब कल के लिए प्लान करते हैं अगर कल टाइम मिला तो, क्योंकि कल मैं शॉप पर हूँ अकेली। आगे की बात बाद में करते हैं। आज पूरा दिन कुछ और प्लान था पर कुछ हो नहीं पाया, तो आज लगाएंगे हम मम्मी के मेहंदी क्योंकि मम्मी के है कल अनंत चौदस का व्रत। तो चलिए अब लगाते हैं मेहंदी और आपको दिखाती हूँ मैं कैसी लगाती हूँ। हालांकि इतनी अच्छी नहीं लगाती हूँ, पर जैसी भी लगाऊँ अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, ठीक है? और मेरे को चिकू क्या बोल रहे हैं, यानी आज कुछ नहीं कर रही है तो वहाँ मम्मी के मेहंदी लगा दे, पर कल अनंत चौदस का व्रत है इसलिए। और है ना अभी मैं वीडियो भी यहाँ पे बैठ के बना रही थी, यहाँ से उठ यहाँ की नहीं की वीडियो की फुटे जा रही। आप मेरा रूम देख के बोर हो गए हो क्या? आप बताओ कमेंट, बस नाइस ब्लॉग नाइस ऐसे करके मत बताओ। आपको क्या अच्छा लग रहा है मेरे पूरे ब्लॉग में, मेरा बोलना अच्छा लग रहा है, मुझे क्या और नया करना चाहिए वो भी बताओ, ताकि मैं आपके साथ में कुछ नया नया करूँ, आपके साथ ग्रो अप करूँ, आप मुझे देखो करते हुए तो मज़ा आएगा ना। महाराज डेंगू और मच्छर काटे हुए हैं पसे में, कई काको घबड़ी थी तो पसे वाणी जगह सैनिटाइजर लगा दी थी। चिकू भी बस कर रही थी थोड़े दिन पहले, वैसे मैं देखी हूँ मारियो भी सही वो मच्छर। अभी हम लगा रहे हैं मेहंदी। मेहंदी देखी ना कैसी लग रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं पहले बहुत अच्छी लगाती थी, अभी कुछ टाइम से मेरी जो प्रैक्टिस है वो छूट गई है, पर लगाने का पूरा ट्राई करती हूँ। और मम्मी के तो कल व्रत था इसलिए पूरी दोनों हाथों में लगा दी, दोनों पैरों में लगा दी और अच्छे से कम्प्लीट सजा धजा के भेज दिया। अभी मम्मी ये सूख जाएगी, कल खुल जाएगी। और कल है व्रत अनंत चौदस का, तो इसीलिए मम्मी ने लगाई थी मेहंदी। मम्मी ने उसके ऊपर केवड़ा तीज पे नहीं लगाई थी हड़तालिका पर आज लगा दी। उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं लगाई थी, पर आज लगा दी, मज़ा आया। और थक भी गई हूँ मैं काफ़ी, कमर वगैरह सब दर्द हो रही है, गर्दन भी दर्द हो रही है क्योंकि पैरों पे लगाते तो झुकना ज़्यादा पड़ता है इसलिए। तो अगर आज का व्लॉग यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे व्लॉग में। ओके बाय। और आज मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ, अभी बज रही है 12 बजे हो रहा है व्लॉग का एंड।